राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में चल रहे विवादों के बीच आज एनआईटी जालंधर के निदेशक प्रोफेसर ललित अवस्थी ने एनआईटी हमीरपुर के निदेशक का अतिरिक्त पदभार संभाल लिया। हमीरपुर एनआईटी पहुंचे प्रोफेसर अवस्थी ने संस्थान में सुधार लाने की बात कही तो वहीं कहा कि संस्थान में नई भर्तियों व वित्तीय लाभ पहुँचाने की जाँच पर मंत्रालय के निर्देशों को लागू किया जाएगा। प्रोफेसर ललित अवस्थी ने अपनी प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर की एनआईटी हमीरपुर की गिरती एनआईआरएफ रैंकिंग को सुधारने के साथ संस्थान में और अधिक सुधार लाने के लिए रोड मैप तैयार करना है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर जल्द ही सभी विभागों के अध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक कर सुझाव लिए जाएंगे। ग्रीटिंग्स फ्रॉम एनआईटी हमीरपुर। मैंने ज्वाइन कर लिया है इंस्टीट्यूट में और मेरी प्रायोरिटीज़ रहेंगी कि हम एक आगे के लिए एक रोड मैप तैयार करें, कैसे हम संस्थान को इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे जो इसकी एनआईआरएफ है इसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, वो मेन प्रायोरिटी है। तो उसके लिए मैंने एक डीन्स के साथ मीटिंग करनी है, एक हेड्स के साथ मीटिंग करूँगा और जो भी एक टीम बनाने का है कि एक एनआईआरएफ को रिव्यू करके और उसमें क्या कमियां रही हमारी उनके ऊपर प्रायोरिटी वाइज हमें काम। संस्थान में नई भर्तियों व वित्तीय लाभ पहुंचाने के जांच पर प्रोफेसर ललित अवस्थी ने कहा कि इस मुद्दे पर उन्हें कोई भी जानकारी नहीं है और जो भी निर्देश मानव संसाधन विकास मंत्रालय से आएंगे उन पर काम किया जाएगा। मेरे पास भी ऑफिशिएटिंग चार्ज है और इन सब चीज़ों के बारे में मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है। जितना नॉलेज, जितना ज्ञान आप लोगों के पास है उतना ही मेरे पास है। तो मैंने भी न्यूज़पेपर से ही सुना है कि कोई इंक्वायरी होगी या जो भी होगा, तो जो भी है हम लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं और हमारा पूरा सहयोग है। प्रोफेसर ललित अवस्थी ने बताया कि संस्थान के बीओजी के चेयरमैन से अनुमोदन प्राप्त हुआ है जिसके तहत संस्थान में नए रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाएगी। हाँ, अभी हमारे चेयरमैन साहब से अप्रूवल आई है तो हम इस संस्थान में रजिस्ट्रार को चेंज कर रहे हैं। इस तरह की और भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजिंग होगी वो की जाएगी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में कथित भर्ती घोटाले के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने संस्थान के निदेशक प्रोफेसर विनोद यादव की वित्तीय व प्रशासनिक शक्तियों को वापस लेकर प्रोफेसर ललित अवस्थी को एनआईटी हमीरपुर के निदेशक का अतिरिक्त पदभार सौंपा है।